जी सर। इनको चश्मे वाले को देना जरा। हाँ, थोड़ी बहुत पार्शियलिटी मैं करता हूँ चश्मे की वजह। चश्मा भी है, दाढ़ी भी है, तो समझदार ही होंगे ना मेरी तरह। आपको पता है ना ये फंडा, जो चश्मा लगाते हैं और दाढ़ी भी होती है वो समझदार होते हैं। ऐसा जिनका ना ऐसा। चश्मा ना दाढ़ी वो बेवकूफ। और कितने हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाते हैं वो महाबेवकूफ। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली जो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरी जो आदत थी, आई यूज्ड टू स्मोक सर। एक्चुअली 3 months हो गए, मेरे को नहीं पता लगा कब मेरी आदत होगी। तो जब आपके मैं सेशन में आया, मैं 2 weeks पहले मैं क्विट कर चुका था। एंड अंदर से इतना मन करता था कि किसी को देखूँ मैं, चला आज मैं भी, पर लेकिन नहीं पीता था। लेकिन आपने बोला ना, तो फिर मैंने एक बार ट्राई करा। मैंने कहा आज पी के देखता हूँ, मजा ढूंढता हूँ। मैंने क्या बोला कि सुट्टा मारो भाई सर। सर आपने बोला था अपनी एडिक्शन पे देखना कि क्या होता है, तो सर मैंने कि जहर को पी करके देखो कि क्या होता है, जब तक कि वो देखने वाला ही ना बचे, है ना। हाँ नहीं सर, लिटरली। अच्छा कोई नहीं, फिर आपने क्या किया, आपने सिगरेट पी। ये सब बातें आप कैमरे में शेयर करना चाहते हो ना। यस सर। हाँ सर, मैंने सिगरेट पी एंड मैंने जब देखा स्मोक आ रहा है, लिटरली सर कुछ नहीं है सर, लिटरली फिर पता लगा बहुत टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। इतने पैसे वैसे मैं 100 rupees पहले एक दिन में उठ जाते थे, मैं अगर जमा करूँ तो मैं नया फ़ोन लिया एक और। लिटरली सर बहुत खर्चा करता था मैंने पिछले 3 दिनों से, उसी दिन एक बार ट्राई करा था बस। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। कौन है जो बोलना चाहते हैं, इधर इनको देना ये। सर गुड मॉर्निंग सर। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। एंड माय क्वेश्चन इज, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी बात है बुरी बात है? जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़े ही जा रहा है, एडिक्शन है पढ़ने का, तो ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? एडिक्शन, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? गुड पॉइंट यार। हाँ लेट्स गो बिग हैंड। इसमें अगला जो क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? क्या जो हमें अच्छा लगता है वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा होता है, या जो हमें क्या अच्छा ये जरूरी है, या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी? अच्छा और बुरे का मतलब क्या? पढ़ाई को हम अच्छा बोलते हैं? यू गाइज आर इंटरेस्टेड थोड़ा सा दिमाग लगाने में, या सिर्फ चार्ज्ड अप होना है? एक्साइटेड तो बहुत कर सकता हूं मैं आप लोगों को, चार्ज्ड अप कर दूंगा। अगर कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो। तो व्हाट काइंड ऑफ सेशन डू यू वांट, कि जिसमें गूज़बम्स आए, मजा आए और फिर बाहर निकले फिर वापस से वहीं के वहीं खच्चर के खच्चर, या फिर कुछ दिमाग दौड़ाओ? दिमाग दौड़ाना है, ठीक है दौड़ाते हैं। अच्छा मतलब क्या, आप अच्छा किसको कहते हो? हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं तो वो अच्छा है, बट क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? मतलब जब भी अनपढ़ की बात होती है आपको मेरी याद आती है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको लगता है क्यों, क्योंकि बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जब से पैदा हुए हो उसके बाद में थोड़ा सा समझना शुरू किया, तो क्या वर्ड्स सुबह से रात तक दिमाग में घूमते रहे? पढ़ो तभी लाइफ बनेगी, पढ़ते जा रहे हैं। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सर पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद में खाली बैठे, अब कह रहे हैं अब हम क्या करें? ऐसे लोग हैं या नहीं है? हाँ, बशर्ते कि उनका किसी टॉप इंस्टीट्यूट में कहीं से हो गया है, तब तो वहां से निकले फटाफट से मिल गई जॉब। बट ऐसा कितने लोगों का होता है? लाखों में से कुछ लोगों का ही होता है ना, और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। ये सच है झूठ है? हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी प्ले हो रहे होते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो, और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाई करी, उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है पता नहीं कितना, 16 घंटे पर नहीं हो रहा उनका, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, 4 बार किया नहीं हुआ, पढ़ने से एडिक्शन हो गया है, पढ़े चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरी लाइफ में। उनसे पूछो क्या किया 20 साल तक, कुछ नहीं किया जी, बस पढ़ाई करी। अच्छा उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रहे हैं।
ये मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो आ गई, डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी मिल रही है, 10-15 हज़ार रुपए की। 10-15 हज़ार तो पियोन को मिल जाती है, उसमें क्या क्या उखाड़ा आपने, लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी, राइट? तो एडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो इस टाइम पे। एडिक्शन है जो भी आपकी बिलीव्स है उसको पकड़ लेना, जो भी आपकी आदतें हैं उसमें फंस जाना, ये एडिक्शन है। एडिक्शन दो तरीके है, एक है आपकी आदतें, जहां से हमको प्लेजर्स मिल रहा होता है वहां पे आदत पड़ जाती है ना उस चीज की, फिर चाहे वो हमारे लिए कितनी भी बुरी हो, वो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो, फिजिकली हमको बीमार कर रही हो, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते, आदत पड़ रही है। एक है हमारे जो बिलीव्स है कि बस दिमाग में बचपन से सबने बिठा दिया है कि पढ़ना अच्छा होता है, तो इस बिलीव को हमने पकड़ लिया है कि पढ़ने से सक्सेस मिलती है, जो पढ़ लिख गया उसकी लाइफ बन गई, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी उसकी जिंदगी झंड है, यही दिमाग में सबके बिठाया हुआ है, बिलीव बन गया ना। अब इस बिलीव के हिसाब से हमने एक्ट करना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे अगर आप लाइफ में एक्ट कर रहे हो तो वो एडिक्शन बुरी है, बिना सोचे समझे। जैसे होता नहीं एक टेररिस्ट के माइंड में कुछ फीड कर दिया जाता है कि हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है, और वो एक्ट कर रहा है, उसके लिए तो वो सही है, जो लोग उसको ये पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वो सही है, और वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों की जो एज ग्रुप है इसमें अगर दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ये नहीं कि सिर्फ जो अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करते चले जाओ, तो आप एडिक्टेड हो। किससे एडिक्टेड हो? वो बिलीव्स जो जाने अनजाने आपके अंदर कुछ फीड कर दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर दी गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। मेरी नजर से देखोगे तो दोनों ही जरूरी है, ऐसा नहीं है 90-10, 50-50। मेरे अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये लेकर के आऊंगा कंपलसरी स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए कि जितने पढ़ाई के पीरियड होने चाहिए, यानी जितने थ्योरी के पीरियड होने चाहिए, उतने ही एक्टिविटी के पीरियड, जितने पीरियड इनएक्टिविटी के होने चाहिए, बैठे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं, उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या उसकी लाइफ में, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इन्फॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? किस लिए भरनी है? अच्छा, भर करके ये होगा, क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के और कोई तरीके नहीं है। अब वहां पर भी क्या है, आपके बिलीफ बना दिए गए हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो आपको शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। कौन खत्म कर रहा है? आपके अपने बिलीव्स। ये सच है झूठ है? हाँ, दिमाग में जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे अपने घर पे या सोचोगे भी अपना कुछ करने का कि नहीं इस एजुकेशन सिस्टम से हट करके मुझे कुछ अपना करना है, सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है। दुनिया में कहीं पर भी जाने का एक रास्ता नहीं होता है, हजारों लाखों रास्ते होते हैं, यही एक रास्ता थोड़ी होता है, बहुत रास्ते होते हैं। तो जैसे ही कुछ सोचोगे तो क्या होगा, वो बिलीव बीच में आ जाएगा, तो आप उस बिलीफ से एडिक्टेड हो। तो जो भी आपकी बिलीव्स हैं, जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, उन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, दिस इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। चाहे सो कॉल्ड अच्छा, जब बुरा, क्योंकि जो आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो वो ही आपको बर्बाद करने वाला हो सकता है, जो आपको बुरा लग रहा हो वहीं से कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हों आपके लिए जहां से एक नई दुनिया का रास्ता खुलेगा आपके लिए। हो सकता है जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आपको ऐसी जगह पे ले जाकर के फंसा दे कि जहां से ना आप निकल सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। हो सकता है जो दिमाग में बैठा हुआ है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है वो बहुत ही आसान हो सकता है। दूसरी तरफ से जो आसान लग रहा है रास्ता वो हो सकता है इतना मुश्किल हो तो वहां पे पॉसिबिलिटीज ही कुछ ना हो। ये सब ऊपर से जा रहा है? यस सर। किसी ने बोला यस सर? आपको समझ आया? हाँ समझ आया। क्या समझ आया? जो चीज तुमको अच्छी लगती है वही तुमको शायद गिरा दे, और जो चीज तुमको शायद बुरी लगती है वो तुमको आगे ले जाए, मे बी पॉसिबल, व्हाई नॉट, सो क्वेश्चन इट। जैसे मेरी पूरी फैमिली के हिसाब से जो बिलीफ था वो क्या था, फोटोग्राफी ये भी कोई काम है, शादी में फोटो खींचेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा, क्या करेगा,
इसका क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है? आज मेरी फैमिली में हर कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, दूर दूर तक सबको मेरी मिसालें दी जाती हैं, बेटे उसके जैसा कुछ कर, समझ पा रहे हो? तो अच्छा बुरा शिफ्ट होने में एक सेकंड लगता है। आज जो लोगों को बुरा लग रहा है कल अच्छा लगने लग जाता है, फैमिली में जैसे कोई एक बंदा उस लाइन में कुछ कर जाता है। आज जो माँ बाप जिसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कल उसी के गुणगान कर रहे होते हैं, तारीफें कर रहे होते हैं। तो ये चेंज होता रहता है, अच्छे बुरे की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। सो डोंट गो बाय अच्छा बुरा। तो आप एक रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हो, जैसे एक रोबोट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये बुरी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी के हिसाब से एक्ट करो बुरी के हिसाब से मत करो। हो सकता है बुरी में कुछ नजर आ जाए, बुरी मतलब जैसे अभी एक बात हो रही थी सुट्टे पास भाई साहब का, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो सकता है वो पीते पीते आपको एकदम से एक आइडिया आ जाए और वहां से एक नए खेल की शुरुआत हो। पी पी करके आपने कहा यार अगर इसको छोड़ना हो क्या कोई ऑप्शन है, हाँ आया एकदम से माइंड में, अब क्या आएगा वही जो अंदर ऑलरेडी फीडेड है, हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक ही आता है, ये निकोटिन के वो आते हैं, ये आता है, ये नहीं कुछ और, क्या कोई और भी ऑप्शन है? तो हो सकता है आपको कुछ मिले, और अगर ढूंढते हैं तो मिलता है। ये आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ उन लोगों का जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का किया है, उनकी डिक्शनरी में ना नहीं होता है, मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। अगर मैं सोच सकता हूँ कुछ भी तो उसका रास्ता है। तो हो सकता है बुराई में से भी कुछ अच्छा निकल करके आ जाए। अगर सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, नहीं सीख रहे तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। इस बात की डेप्थ को आराम से बैठ करके सोचना मैंने क्या बोला है, बुरे से बुरा भी अच्छा है अगर आप सीख करके वहां से ग्रो कर रहे हो और बेटर बन रहे हो।